जो होता है अच्छे के लिए होता है, सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। ध्यान देकर सुने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान लोक वॉइस पर स्वागत है। आज मैं आपके साथ भगवान श्री कृष्ण की कहानी शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी। दोस्तों, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुने। तो बिना समय को गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंता किया करता था कि क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिजनेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। दोस्तों, एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़कर के हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने उससे ये कहा कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक हैं और धीरे धीरे करके वे अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहां पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहां पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल ना, जरा बाहर चल के आ जाते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकले, तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा है कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती है और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था ना, उससे ये रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था ना, और उसने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुनिए। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट है, यहाँ पर आइसक्रीम चल रही है, मजे चल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूंगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, जिनका नाम रुक्मिणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मिणी नाराज और उदास रहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वहीं पर ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मिणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी जी के 18 साल बीत गए।
18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज्यादा थी। वहाँ रुक्मिणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। इसलिए रुक्मिणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मिणी जी से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और ये ही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मिणी जी दुखी और निराश रही और 8 साल के बाद रुक्मिणी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो ये शादी करी थी वो ठीक है और इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मिणी जी ने अपने जिंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को खत्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया हुआ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें दो बड़ी बातें सिखाती है और यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितने भी चीजें होंगी उन चीजों पर तो हमें जरूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर है उन चीजों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मिणी की तरह बहुत सालों तक उदास रह जाएंगे। दोस्तों, आज के ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको श्री कृष्ण की ये कहानी पसंद आई तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।